प्रदेश की पूर्व शिवराज सरकार के द्वारा बेशक ग्रामीणों को सस्ता अनाज उपलब्ध करवाने की योजना लागू की हो, मगर उस योजना से केवल समूह के सेल्समैन का ही घर भरा है। ग्रामीणों को ना तो सस्ता अनाज मिल रहा है और ना ही किरोसिन, क्योंकि सेल्समैन सीधे सीधे रात के अंधेरे में गरीबों के हक का आया हुआ अनाज और किरोसिन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसका उदाहरण कल रात को देखने को मिला, जब ग्रामीणों की शिकायत पर अमुआ पुलिस ने रात के अंधेरे में बोरझाट सोसाइटी की उपशाखा हरदासपुर के समूह के सेल्समैन और उसके साथी को पिकअप वाहन में भरा 400 लीटर किरोसिन पकड़ा। ये दोनों इसे बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने एक पिकअप वाहन और दो युवक सोनू और सूरज को रात को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में खाद्य अधिकारी संतोष निराले का कहना है कि किरोसिन बोरझाट सोसाइटी की उपशाखा हरदासपुर का है, जिसे समूह चलाती है। इसे चोरी छुपे बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसमें दो लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच जारी है।